गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू. आई चित्रांची सक्सेना, अ टीचर ऑफ स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन. आई एम हेयर टू टीच यू ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो आवर चैप्टर इज नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, तो बच्चों, हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? एनर्जी का फ्लो हमारे इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है. ठीक है, ओके. तो अच्छा, एनर्जी का फ्लो हमें सब हमने पढ़ा, तो हमें ये समझ में आया कि हाँ ठीक है, एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है और कैसे एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने डेली रूटीन के लिए. अच्छा, इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं, ये और चीज़ें जो यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो हमारे एनिमल्स और हम और हमारे प्लांट्स सब जो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म हो जा रही है? नहीं, ख़त्म नहीं होती है. तो क्या है कि एक साइकिल बनी हुई है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जिससे ये सारी चीज़ें जो यूटिलाइज होती हैं, ये वापस से एनवायरनमेंट में चली भी जाती हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूटिलाइज होती है, प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती है, ये प्रोसेस चलता है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो नाइट्रोजन या जो ऑक्सीजन या वाटर, जो भी चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होती है. ये एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं और वापस से ऑर्गेनिजम्स से डिकम्पोज होकर के ये चीज़ें वापस एनवायरनमेंट में ही चली जाती हैं. तो इस तरीके से एक नेचुरल साइकिल बनी रहती है, जिससे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होते हैं. अच्छा, हर इकोसिस्टम में अलग अलग अमाउंट में, कहीं पर नाइट्रोजन की थोड़ी ज़्यादा है ना, कहीं पर कार्बन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है ना. इस तरीके से हर जगह पर थोड़े से फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट ऑल टुगेदर हमारे पूरे अर्थ में ये मेंटेन रहती है. ठीक है, तो इन साइकिल्स को हम बोलते हैं बायोकेमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल. ओके, बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ये वापस हमारे कैसे बन रहे हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर रहे हैं और कैसे ये वापस हमारी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, हम वो पढ़ेंगे. तो बायोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल में हमारी सबसे पहले साइकिल है कार्बन साइकिल. ओके, अच्छा, तो मुझे बताओ, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. हमने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं. अच्छा भाई, अपना खाना बनाते कैसे हैं? क्या प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस, राइट. तो जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं. और जो ये फूड बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं? किसका यूज़ कर रहे हैं? सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना. ठीक, तो जो एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ करते हैं ग्रीन प्लांट्स और अपना खाना बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अच्छा भाई, तो खाना बन गया. ग्रीन प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करा और अपना खाना बना लिया. अब उस खाने को खाया किसने? एनिमल्स ने, है ना. एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, हमने इस खाने को खा लिया. तो हमने ये खाना खा लिया, एनिमल टिश्यूज़ ने, हमारे टिश्यूज़ ने इस खाने का यूटिलाइजेशन कर लिया. ओके ओके, तो ग्रीन प्लांट्स ने जो खाना बनाया था उसको एनिमल्स ने खा लिया. ठीक, अब जब इन एनिमल्स ने किया रेस्पिरेशन किया अपने खाने को पचाने के लिए, है ना, तो इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन का यूज़ किया और इन्होंने बाहर क्या एक्सहेल करा? इन्होंने CO2 फिर एक्सहेल किया. तो जब ये एनिमल्स रेस्पिरेशन करेंगे तो वापस से CO2 बन जा गया, थोड़ा ही अमाउंट में, चलो बट बन गया. ठीक, अच्छा, इन केस अगर कोई एनिमल टिश्यू खराब हो गया या डेड हो गया तो क्या हुआ? तो उसका डिकम्पोजिशन हुआ और उसके डिकम्पोजिशन से फिर से हमें CO2 मिल गया. ठीक, कोई डेड बॉडी है, कोई एनिमल की डेड बॉडी, उसके डिकम्पोजिशन से वापस से हमें एटमॉस्फेरिक CO2 मिल गया. अच्छा,
अच्छा, अब जब ये ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ये भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, है ना? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं ना. तो जब इन्होंने रेस्पिरेशन किया तो इन्होंने भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया. तो जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करा रेस्पिरेशन से, उससे भी वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, ठीक है. और जब ये ग्रीन प्लांट कुछ डेड प्लांट्स हो गए या कुछ टूट गया, आंधी आ गई तो टूट गया, या किसी एनिमल्स की वजह से टूट गया कोई पेड़, ठीक है, तो फिर उनका डिकम्पोजिशन हुआ. और जब उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया, ठीक. अच्छा, अब आता है इन ग्रीन प्लांट्स का फॉसिलाइजेशन. हमने पढ़ा है जब कोल बनता है तो कोल कैसे बनता है, जो पुराने ट्रीज होते हैं उनके ब्रांचेस होती हैं या उनका तना होता है ना, वो जब उनकी जो मतलब बड़ी सी ट्रंक होती है वो जब अगर हमारे डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद उनका कार्बनाइजेशन होता है और वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. एंड कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. अच्छा, तो हमारे ग्रीन प्लांट्स का फॉसिलाइजेशन हुआ, ठीक. फॉसिलाइजेशन हुआ और फॉसिलाइजेशन होने के बाद क्या मिला हमें, फॉसिल फ्यूल गैस पेट्रोलियम या कोल मिला, ठीक है. फॉसिल फ्यूल गैस मिलेगी, पेट्रोलियम मिलेगा या कोल मिलेगा, ठीक. हमें मिलता है ना, कोल कार्बनाइजेशन होता है तो हमें कोल मिलता है, ठीक है. अच्छा, जब ये हमें मिला तो हमने इनको जलाया. क्यों जलाया, हमने अपना खाना बनाने के लिए जलाया, हाथ गर्म करने के लिए जलाया, हमने बिजली के उत्पादन के लिए उसको जलाया. कोयले को जलाते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, स्टीम बनाते हैं, है ना. तो हमने अलग अलग पर्पस से अपने कोयले का या पेट्रोलियम का यूज़ करा, या हमने हमारे फॉसिल फ्यूल गैसेस का यूज़ करा. पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, डीजल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पेट्रोल हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. देन हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं तो उन सब का जब भी हम कम्बशन कर रहे हैं तो उन सब के कम्बशन से भी हमें एटमॉस्फेरिक CO2 मिल रहा है, ठीक है. तो जो ये सारा हम जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ हो रहा है ग्रीन प्लांट से, इतने सारे ग्रीन प्लांट से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी इन्वायरमेंट में साथ ही साथ पहुंच भी रहा है ना. तो ये एक साइकिल है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं हो रहा है, और जितना यूज़ हो रहा है उतना ही दोबारा बन भी जा रहा है, ठीक है. तो ये है हमारी कार्बन साइकिल. ये क्या है बच्चों, ये है कार्बन साइकिल, ठीक है, ओके. तो इस तरह से हमारा कार्बन जो है, ये कार्बन बायोकेमिकल साइकिल है कार्बन की, और ये हमें वापस से कार्बन हमारा मिल जा रहा है, ओके. समझ में आया, ओके. तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू.